के बाद कभी भी आपका डाउट नहीं आना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर आपने देख लिया कि जिसके जिस पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में वन या माइनस वन होता है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई होगी। और हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि रियल नंबर वास्तविक संख्या चल रही है, ये जो आपका जो टॉपिक होने वाला है एक्चुअल में अब आपका मेन टॉपिक शुरू हुआ है जिसे कहते हैं रियल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके दो या तीन नंबर के क्वेश्चन 1000-10% बनेंगे। तो आप लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एक डाउट यहाँ से क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग का एक ही काम है, कंप्लीट अच्छे तरीके से देखना जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 2, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओ। जो अगला मॉक टेस्ट 2 होगा वो कंप्लीट चैप्टर का होगा जिसमें कि आपका 6 नंबर पूरे बोर्ड के लिए आपका कोई भी नहीं यहाँ से कट कर सकता है। और इसके साथ साथ जो भी इसके बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ साथ करवाता ही जा रहा हूँ। यहाँ पे आज मैं आपको रूट 2, जो रूट 3, रूट 5 110% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा। तो आप लोग का SS Academy पे स्वागत है दोस्तों। मैं आपको एक एक बेसिक चीज बताता हूँ पहले होता क्या है। सबसे पहले देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है। एक वास्तविक संख्या होता है जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हो रियल नंबर। आपको होता है रियल नंबर में दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। एक तो आपके सामने सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है यहाँ पे रैशनल नंबर का, और एक होता है इरेशनल नंबर का। अब आपको पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर 9th क्लास में पढ़ा होगा, मतलब इसे परिमेय कहते हैं, इसे अपरिमेय कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे सुनना, क्वेश्चंस भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है, एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अच्छे तरीके से सुनते जाओ। देखो रैशनल मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या। रैशनल संख्या वो होती है जिसे हम सपोज करो एक नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये सारे क्या है नेचुरल नंबर्स है। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो वही आपके क्या होते हैं रैशनल नंबर हो गए। अब देखो रैशनल नंबर में सबसे पहले जब भी आपको रैशनल नंबर की बात कहेगी तो आप लोग दो चीज़ याद रखना, ये हमेशा पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू इक्वल्स टू नोट 0। अब ये देखो ये क्या फंडा है, जैसे कि मान लो मैंने बोला यहाँ पे 5/2, तो आपने कहा हाँ ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से जब मैंने बोला यहाँ पे 2/0, तो ये क्या रैशनल नंबर है, नहीं रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि p हमेशा करेक्ट नंबर होना चाहिए, q हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल्स में यही कहता है कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू के बराबर 0 नहीं होता है। मैं आपको आज इसमें को प्राइम क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आप लोग बस देखते जाओ। ये हो गया रैशनल नंबर। तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं ये 1 क्या है सिंगल नंबर है, 2 क्या है सिंगल नंबर है, मैं बोलता हूँ 10, आप बता सकते हो कि 10 रैशनल नंबर है या नहीं है, जो सिंगल नंबर है या नहीं है। तो आपने देखा जैसे 2/5 आपने बोला ये रैशनल नंबर है बिकॉज ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है, तो आपने बोल दिया रैशनल नंबर है। उसी तरह से मुझे बताओ ये क्या रैशनल नंबर है, हाँ भाई ये रैशनल नंबर है बिकॉज सपोज करो 10 है, अब कुछ नहीं तो नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रैशनल नंबर है। तो ये बात याद रखना, जब भी कभी भी एक नेचुरल नंबर होता है, जो भी एक प्राकृतिक संख्या होता है उसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। इट मीन्स कि जो नेचुरल नंबर्स होता है नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। चलो ये बात समझ आ गई आपको, लेकिन एक सवाल और है, अगर मैं यहाँ पे चलो नीचे क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्या पी की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, सपोज करो 0/5 क्या रैशनल नंबर है, तो आप क्या बोल सकते हो ये रैशनल नंबर है क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर पी हो जाए हमें उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बात यहाँ तक मुझे समझ आ रहा कि आप लोगों को रैशनल नंबर समझ आ गई होगी होता क्या है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखे, जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होते हैं वो ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही होते हैं दोस्त, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो मैंने बोला अंडर रूट में 16, तो ये अंडर रूट आपका एक
परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो जब भी कभी भी कोई बोलेगा कि अंडर रूट 16 या अंडर रूट 100 या अंडर रूट जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी, अगर अभी तक वो भी नहीं देखा है आप वो वीडियो देख लो। अगर रैशनल नंबर की कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ आप सारे वीडियो देख लो। कल जो मॉक टेस्ट हुए वो क्वेश्चंस लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डले हुए, आप लोग अपने पास पीडीएफ रखते जाओ, ये प्रिंट आउट करवा कर रखो। जब पेपर आएगा भाई कुछ भी मत करना, बस जितने चीज़ें मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ आप करते जाना, मोर देन सफिशियंट है, इतनी मेरी गारंटी है। 9th to 12th जो भी बताऊँगा आपके सटीक 90% हूबहू क्वेश्चंस होंगे, बस डिजिट चेंज होंगे या लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन होगा यही। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। तो कभी भी जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, क्यों? क्योंकि देखो परफेक्ट 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो, क्या कितने का होता है, 4 का होता है। 4 एक नेचुरल नंबर हो गया, इसके नीचे हम 1 लगा दें तो ये एक तरह से रैशनल नंबर हो गया। करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। राइटिंग के लिए रियली रियली सॉरी गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं न्यू मतलब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर के लिए। अब जैसे देखो आपको मैंने बताया था ये रैशनल नंबर होता है, जो ये रैशनल नंबर वाली सीरीज आपको समझ आ गई। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है। चलो एक पॉइंट और बताता हूँ आपको मैं, इरेशनल और रैशनल की बातें। रैशनल नंबर ये देख लो, रैशनल नंबर यहाँ है, इरेशनल नंबर ये है, मैंने डायग्राम बना दिया, इसी तरह फ्लो चार्ट आप बना लेना। यहाँ पे देखो जब भी बच्चे ध्यान रखना कि जैसे मैं बोलता हूँ पाई, तो जब आपको होता है पाई, अभी 13 चैप्टर बताऊंगा, आपने 9th क्लास में सुना होगा, इसकी वैल्यू हो जाती है 22/7 और दूसरी एक वैल्यू होती है इसकी 3.14। आप याद रखना हमेशा जब पाई की वैल्यू की बात करेगा, किसकी बात करेगा बच्चे, यहाँ पे वैल्यू की बात करेगा, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, याद रखना। अगर जब सिंपल पाई सिंबल की बात करेगा यहाँ पे, तो सिंबल एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये फैक्ट आप हमेशा याद रखना, कभी न कभी कोई ना कोई पूछ सकता है, तो आप याद रखना हमेशा जो रैशनल नंबर की कभी पूछे बताओ रैशनल नंबर जो हमारे पास जो पाई है, पाई रैशनल नंबर है इरेशनल, तो आपका आंसर उठना चाहिए भैया ये बताओ पाई जो है उसका सिंबल पूछ रहे हो या उसकी वैल्यू पूछ रहे हो। अगर वैल्यू पूछ रहे हो तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, और नहीं तो अगर सिंबल पूछ रहे हो तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज इरेशनल नंबर हमेशा पाई के सिंबल होता है और रैशनल नंबर हमेशा पाई की वैल्यू होती है, बिकॉज पाई जो होता है 22/7 होता है, मतलब 0.214 होता है। बट हमें क्या नॉर्मली यूज करना है, 3.14 आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब 9th चैप्टर करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा ट्रिक दे दूंगा ना लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यहां तक समझ आ गया होगा। इरेशनल नंबर वो होता है जो अनपरफेक्ट, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होता। जैसे मान लो 10 है, 10 क्या कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 2 है, नहीं है। लेकिन मैं 16 बोल दूं तो ये है, बिकॉज 4 है, तो ये रैशनल नंबर हो जाते हैं, ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं, याद रखना। दोनों का कंसेप्ट सेम होता है, दोनों पी अपन में क्यू होना चाहिए, क्यू के बराबर में 0, रैशनल इरेशनल दोनों में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए भैया, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। चलो ये बात समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको रैशनल ये हो गया यहाँ पे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं बच्चे वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो जिसके साथ 0 लग जाता है उसे होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जैसे आपने इसे पिछले कंसेप्ट में सीखा, जो भी एलसीएम एचसीएफ वाले में ए एंड बी होता था ये इंटीजर्स होता था, तो ये इंटीजर्स मतलब जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। होल नंबर क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर में 0 जुड़ जाता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स छोटे, इंटीजर्स भाइयों, इंटीजर्स बच्चे ध्यान रखना, जो पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं। जो रैशनल नंबर तो मैंने आपको बता दिया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे पी अपॉन
क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाता है। उसी तरह से जब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो आपको पता है इरेशनल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होता वो आपका इरेशनल नंबर होता है। कंसेप्ट दोनों का सेम होता है, बट याद रखना यहाँ पे पाई की कंसेप्ट की बात करोगे तो पाई आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। अच्छा पाई रैशनल, अब जो रैशनल नंबर होता है यहाँ पे, या रैशनल नंबर में आप याद रखना रैशनल नंबर आपकी जो वैल्यू होती है 22/7, ये आपका क्या होता है नंबर्स, ये आपके हमेशा ये रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू। तो आपको नंबर्स से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नंबर्स यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो दोस्त याद रखना जितनी चीज़ें बताई मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब मैं इसी कंसेप्ट पे मैं आप लोगों को दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दो चीज़ याद रखो, नोट करो आप, सबसे पहले को प्राइम क्या होता है आपने सुना होगा क्योंकि इसमें यूज़ होगा आपके पास में। को प्राइम याद रखना जो पेयर ऑफ नंबर होता है, जो जोड़े होते हैं ना पेयर ऑफ नंबर। जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिया और 3 लिया, इनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखो एक के टेबल में एक अपने टाइम में आता है 3 1 जा 3 1, तो मतलब इनके बीच का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अपना होता है को प्राइम, क्या बोला मैंने यहाँ पे को प्राइम। देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान रखना कि जब भी पेयर ऑफ नंबर होते हैं, क्या होता है जब भी पेयर ऑफ नंबर होते हैं, जैसे मान लो 1 है, 3 है, 6 है, 35 है, इनके बीच में सिर्फ एक कॉमन नंबर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। देखो 6 और 35 में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है क्योंकि और किसी में नहीं आता है। तो को प्राइम वो नंबर होंगे ए और बी जिसके बीच का कॉमन नंबर 1 होगा। तो आज के बाद कभी भी आपका डाउट नहीं आना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर आपने देख लिया कि जिसके जिस पेयर ऑफ नंबर्स के बीच में 1 या -1 होता है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई होगी। और मैंने आपको जो कल आज से पहले कंसेप्ट बताया है उसमें मैंने आपको जितने भी प्राइम नंबर है वो बता दिया, कंपोजिट नंबर है वो बता दिया, प्राइम स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, अ कंपोजिट इवन नंबर 4 होता है, कल यूटी जो मॉक टेस्ट हुआ उसमें भी मैंने बताया था, जो ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो 9 होता है। आप लोग प्लीज़ ये याद रखना, आप किसी बच्चे से भी पूछ सकते हो, स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाएं तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो, सर बताओ ये क्या होता है, फिर जभी तो मज़ा है, जभी तो आप लोग कहलाओगे हाँ भाई ये टॉपर के रैंक में आप लोग आ रहे हो। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी। मैं ये क्लास आपको नंबर्स एंड इसके टाइप्स बताना चाहता था, मैंने आपको यहाँ तक बता दी। अगले टाइम की जो अगली सीरीज होगी, अगला वीडियो, देखो मैं छोटी वीडियो चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह से आप मैक्सिमम एक बार आप उसे देखो, कभी पेपर के टाइम में एक बार और देखो, और अभी से नोट्स बना के उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है, मैं आपको इसके थ्योरम जो √2 जो होता है इसके ऊपर मैं √2 इस तरह से √2 कैसे बनता है, कैसे परिमेय सिद्ध होगा, ये मैं आपको यहां से बता दूंगा। इस बेस्ड पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर में इतने स्टेटमेंट होते हैं बट मैं आपको इसके अंदर में ट्रिक बताऊंगा जो आपको बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाएगा। और ये मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं आपको, इनमें से 1000% पेपर में जो दिखेंगे, जो मैं आपको यहां पे कराऊंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कराऊंगा, उन 4 में से एक आपको बोर्ड 2023 में 1010% दिखेंगे। तो दोस्त यहां तक याद रखना, यहाँ तक बस मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था, जो चैप्टर था वास्तविक संख्या में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं एक्सरसाइज प्लस में जो प्रीवियस ईयर है वो मैं आपको करवाता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हो आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्त यार के साथ स्कूल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, यही आप लोगों का फीस होगा, आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप लोग ध्यान रखना, बस आप लोग करते जाओ इसी तरह से, बस इस बार किसी भी तरह से 90+ करना है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना एंड अपने स्कूल्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलना।